हम देखा है कि रात अगर हम शाम हमारे के यहाँ हो गया, रात हो गया बाजार से जाने में, तो चिंता का विषय बन जाता था हमारे परिवार का कि लौटेगा वो आदमी कि नहीं लौटेगा। कैसे वोट दे रहे हैं इस बार? हम लोग वोट दे रहे हैं नीतीश कुमार जी को सत्ता बनाने के लिए। और क्या वजह है वोट देने के पीछे? वोट देने की वजह विकास हमारा हुआ है कि क्षेत्र का जितना हमारे के यहाँ विधायक हैं, 52 को पुल बना है, सारे इलाके में बिजली देख रहे हैं, चकचका है, सारे इलाके में रोड है, कोई गांव बिना रोड के नहीं है। इतना विकास आज तक कभी नहीं हुआ था। पहले के रास्ता सब गबड़ा था, इसमें रोड कहाँ मिलता, भट्ट है ना गबड़ा रास्ता नहीं। पहले का जो राज था वो आपने देखा होगा। हम देखा है कि रात अगर हम शाम हमारे के यहाँ हो गया, रात हो गया बाजार से जाने में, तो चिंता का विषय बन जाता था हमारे परिवार का कि लौटेगा वो आदमी कि नहीं लौटेगा। लेकिन आज 12 बजे रात तक जाइए, कहीं कुछ नहीं है। आपके साथ कभी कुछ हुआ उस समय पे? नहीं, हमारे साथ तो पहले हुआ था। हम जा रहे थे, हम डॉक्टर हैं, 12 बजे रात में यहाँ से जा रहे थे, एक 25 गोर राइफल पार्टी रास्ते में मिल गया। 25 राइफल पार्टी, वो युग अब नहीं है। अब कहीं कुछ नहीं है। 12 बजे जाइए, 1 बजे जाइए, जिस घड़ी आपको कहीं जाना है, कोई रास्ता में कोई दिक्कत नहीं है। सुशासन की सरकार है, आज राम राज है बिहार में। जो खुले दरवाजा खोल के सूती है, कोई नहीं इंटर करेगा, न चोर है, न बदमाश है, न कुछ नहीं है। न पहले जानवर भी खुजता था, डकैती होती थी, आज कुछ नहीं है। हम लोग पानी की व्यवस्था हमारे इलाका में नल और जल, घर घर नल मिल रहा है, खाली ऐसे बैठिए और तुरंत पानी हर हर गिर रहा है। मेरा नाम आनंद राय है सर। किसे वोट कर रहे हैं इस बार? नीतीश कुमार को सर। क्या बड़ी 5 वजह है कि उन्होंने वोट कर? वजह बहुत सारी है, सिर्फ आपने 5 पूछा, बहुत सारी वजह है। सबसे पहली बात है कि जब मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था सर 96 में, उस वक्त एक बच्ची साइकिल से जाती थी, उसके साथ बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ उसके साथ, मतलब उसका विरोध करती थी। आज के डेट में नीतीश कुमार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इनकी जो साइकिल योजना है सर, इसका मैं सबसे बड़ा पूर्ण समर्थक हूँ, क्योंकि इनकी साइकिल की वजह से आज हर एक पिता सर अपनी बच्ची को, अगर नीतीश कुमार साइकिल दें या न दें, वो अवेल हो चुका है कि ताकि अपनी बच्ची को साइकिल, सिर्फ बेटे को नहीं देता है सर, वो अपनी बच्ची की शिक्षा की ओर भी अग्रसर है सर। ये पहले बजाओ सर। सेकंड, जब हम रात को कभी भी चलते थे सर, सूरज डूब जाता है तो डर लगता था घर जाने में। आज रात के 11 बजे भी पटना से चलते हैं सर। मेरी उम्र 41 हो रहा है सर। मैंने लालू जी का भी जंगल राज, सेनारी, नरसाना वगैरह वगैरह जो कुछ भी था सर, सब कुछ मैंने देखा हुआ है। और उस वक्त जो ढलैया का जो स्टीमिट आता था सर, वो गिट्टी और मोरंग, सॉरी सर, भाटा का छाई समझते हैं, वो छाई पर ही बिल्टी बन जाता था सर। तो लालू जी का जो भी जंगल राज वगैरह वगैरह जो कुछ है, सबसे मैंने, मतलब मेरे रूबरू उसे देखा हुआ है। अपना कोई निजी एक्सपीरियंस बताइए उस समय का। निजी मेरे साथ हुआ था, दो थप्पड़ मार के उस वक्त मेरे पास मोबाइल नहीं हुआ था, दो थप्पड़ मार के मेरे पैकेट में 300-400 रुपया था, वो मुझसे छीना चुका। और बाइक नहीं थी मेरे पास उस वक्त, मेरा साइकिल और 300-400 रुपया ये मंगराहट बाजार के बीच में छीना चुका था सर। उसके बावजूद आज कोई टेंशन नहीं है। चिराग बाबू का हराने के पीछे अलग बात है सर, यहाँ लोकल ऐसा कैंडिडेट आ गया है, अब इनका सेटिंग कहाँ है सर ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ है कि सत्ता परिवर्तन कुछ आदमी चाहता है कि ना भाई, जो दोबारा है नीतीश जी से जो पर्सनल दुश्मनी है, अपने आप को नेता साबित करना है। तो बहुत पुरानी कहावत है सर, एक समझिएगा सर, एक लाइन मैं खींच रहा हूँ, एक लाइन मैंने खींच दिया, इसको बिना काटे और मिटाए हुए मुझे छोटा करना है, क्या करना पड़ेगा सर? आदमी दो तरह का होता है, हम लोग जो मेहनत करते हैं अपने आप को बड़ा कर लेते हैं, आप हमें कहाँ छोटा कीजिएगा, हमको आपको छोटा करने की जरूरत है। हम लोग अपना काम करते हैं, प्रयास करते हैं ताकि हमारी ऊंचाई बनी रहे, हम लोग अपना काम करते रहते हैं सर। किस पार्टी को वोट दे रहे हैं इस बार? जनता दल यूनाइटेड के। क्या वजह है उसके लिए? वजह है विकास, देख रहे हैं 15 साल से कितना विकास पहले हुआ था, अभी कितना विकास है, रोड, पुल, पुलिया, बिजली, स्कूल, सारा चीज़ तो विकास दिख रहा है। बिजली कितने घंटे आती है यहाँ? तो 18 घंटा तो नहीं टाइम रहता है, 1 घंटा कटता है इमरजेंसी आपातकाल में। अच्छा, और पहले? पहले तो बिजली के नामी निशान नहीं था यहाँ। और ये सड़क कब बनी है? ये सड़क तो नीतीश जी के राज में बनी है। उससे पहले क्या था? एकदम जर्जर स्थिति था, यहाँ से जहानाबाद जाने में हम लोग को 2 घंटा लगता था। जहानाबाद, अरवल, गया, सारी सड़क बन गई है। सारी सड़क जी जी, अभी कहीं नहीं लगता है, गड्ढा है, हम लोग लगता है कि एकदम प्लेन पर चल रहे हैं अभी। तो जब बिजली नहीं रहती होगी तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होती? बिजली पहले नहीं रहती थी तो बहुत दिक्कत होती थी पढ़ाई लिखाई के लिए, लेकिन अब तो दिक्कत नहीं होता है। और
और क्या क्या चीजें हुई हैं इस राज्य में? इस राज्य में 118 योजना चल रहा है नीतीश जी का, और सब दिखित मिल रहा है। उसके पहले योजना चलता था तो एक भी दिखाई नहीं देता था। पानी भी नल जल सात निश्चय योजना सारी चीज करीब करीब हो गया है 80%। केवल पानी आना बाकी है? नहीं, पानी चल रहा है सब जगह। मीठी जल उसको कहते हैं नीतीश जी। हम लोग के यहाँ जो 300 फीट से नीचे पानी मिल रहा है, पहले हम लोग के यहाँ जर्जर स्थिति था, जो चापाकल हर समय फेल हो जाता था, लाइन लगा रहता था पानी में लेने के लिए चापाकल पर। क्राइम की क्या स्थिति है? क्राइम एकदम शांति हो गया। इंजीनियर को वोट दें या अनपढ़ को वोट दें, ये तो पब्लिक ही क्लियर कर दिया है कि नीतीश कुमार को वोट दें। इंजीनियर अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो सैकड़ों लाखों इंजीनियर पैदा कर देगा। उनके सोच है कि कई वो इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दे, डॉक्टरी कॉलेज खोल दे, बहुत सारा उनका सोच चल रहा है। और जो विकास कर दिए हैं वो देश में जाने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार विकास पुरुष एक व्यक्ति हैं। विकास कहाँ कहाँ हुआ है और तुम उसे कैसे देखते हो, कौन कौन से विकास? विकास हर जगह दिखता है। हम 2008 में मैट्रिक दिए थे, 2008 में मैट्रिक दिए थे और नया सत्ता नीतीश कुमार ने 2005 में बनाए थे। जब इतना खाई था, उससे पहले हम साइकिल से जाते थे जहानाबाद, मेरा ननिहाल था जहानाबाद, हम साइकिल से जाते थे, 3 घंटा में साइकिल से पहुँचते थे। पैसा का उस समय तंगी था, गरीबी से गुजरा है लोग। विकास नहीं होता था तो गरीबी तो रहता था। साइकिल से जाने में 3 घंटा लगता था, आज एक से सवा घंटा में साइकिल से ही व्यक्ति पहुंच जाता है। रोड प्लेन हो गया, हर गांव में बिजली, हर गांव में नल, 300 फीट का पानी, मीठा पानी पी रहा है। अभी पानी का पैसा भी नीतीश कुमार ने नहीं ले रहे हैं। और लालू राज में क्या होता था, मेरे दादा और मेरे बाबूजी ने बोलते थे कि जो तार तनाता था आज तनाया तो 2 दिन बाद तार कट गया, पोल कहाँ चला गया, ट्रांसफार्मर कहाँ चला गया, कोई पता नहीं है। इस तरह का राज था। हम लोग डिसीजन ले चुके हैं, नौजवान युवा सारा कोई ले लिए हैं कि तीर छाप को बटन दबाकर नीतीश कुमार का हाथ मजबूत कर नीतीश कुमार को गद्दी पर बैठाएंगे।